सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं ससंस्कृत पाठ्यपुस्तक संस्कृत बालकलिका इति पठिष्यामः। कक्षा षष्ठम विषय संस्कृतम तृतीय अध्याय पुरुष विचार। उद्देश्य संस्कृत के पुरुषों से परिचित कराना, भाषा के नियमों से अवगत कराना, भाषा के कर्ता क्रिया से अवगत कराना। पुरुष संस्कृत भाषा में तीन पुरुषों का प्रयोग किया जाता है। अब सबसे पहले आप यह देखिए पुरुष क्या है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इससे पहले हम तीन तरह के लिंग, तीन तरह के वचन पढ़ चुके हैं, आप तीन तरह के पुरुष पढ़ रहे हैं। तो पुरुष देखिए, वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात करें उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष। जब भी हम बातचीत कर रहे होते हैं वक्ता बोलने वाला होता है, श्रोता सुनने वाला होता है, तीसरा व्यक्ति होता है जिसके विषय में बात करें। तो यहाँ पर संस्कृत में जिसके विषय में वक्ता श्रोता बात करते हैं उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे हम लोग बात करें कि राम हंसता है, तो यहाँ पर राम ना मैं हूं ना आप, इसलिए वो क्या कहलाएगा, तीसरा व्यक्ति, इसलिए उसको हम कहते हैं प्रथम पुरुष। इसलिए इसको क्या कहा गया, राम हंसता है। मध्यम पुरुष श्रोता था जिससे बात की जा रही। अब मैं तो वक्ता हूं, बोलने वाले श्रोता तुम, तो सुनने वाले के लिए हम प्रयोग करेंगे तुम शब्द का। तुम हंसते हो तो तुम शब्द किसके अंदर आता है, मध्यम पुरुष के अंदर। उत्तम पुरुष अब कौन बचा, वक्ता। वक्ता अर्थात बोलने वाले, बोलने वाला जब भी बोलेगा अपने लिए मैं हम इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, उत्तम पुरुष। तो वक्ता और श्रोता जिसके विषय में बात करें, प्रथम। वक्ता श्रोता से बात करता है तो श्रोता है मध्यम पुरुष। जब वक्ता की बात की जा रही है तब उसको कहते हैं हम उत्तम पुरुष। तो इस प्रकार से तीन पुरुष होते हैं। अब कर्ता क्रिया परिचय देखिए। कर्ता वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, बालिका हंसती है। कार्य में वाक्य में कार्य करने वाला कौन है, कर्ता। कौन है वो, बालिका। हंसती है, हंसना क्या है, क्रिया। तो जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, तो यहाँ पर किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया आपको देखने को मिले। लेकिन कर्ता क्रिया का नियम क्या है, कर्ता और क्रिया हमेशा समान हो जाता है। जिस पुरुष वचन का कर्ता होता है क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होगी। संस्कृत का नियम है कि जिस पुरुष वचन का कर्ता होगा क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होनी चाहिए। तो वचन तो अभी आपको समझ में आ रहा है, बालिका एक है इसलिए एक हस्ती दिखा देख रहे हैं, लेकिन पुरुष क्या होता है, कोई समान पुरुष क्या होता है, यह हम आगे देखेंगे। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। अब हिंदी में तो हम क्रिया प्रयोग करते हैं, लेकिन संस्कृत में इस क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। और इस धातु की फॉर्मेशन चलती है, एक तरह के रूप चलते हैं काल के आधार पर, जिनको हम क्या कहते हैं, धातु रूप। और उनको ही हम, उनके अनुसार ही हम क्या करते हैं, निर्धारित कर्ता और क्रिया के पुरुष का निर्धारण। अब धातु क्या है, पहले धातु देखिए। क्रिया जैसे हंसना है तो उसके लिए धातु प्रयोग होती है हंस। लिखना है तो उसके लिए धातु प्रयोग होती है लिख। नाचना क्रिया है तो उसके लिए धातु प्रयोग होती है नृत। पढ़ना क्रिया है तो उसके लिए धातु प्रयोग की जाती है पठ। अब इन धातुओं के लट लकार रूप देख रहे हैं हम वर्तमान काल वाक्य बनाने में, तो हम किस तरह से इनका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रथम पुरुष देखते, प्रथम पुरुष कर्ता क्या कहलाते हैं और उनकी साथ किस क्रिया का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रथम पुरुष की बात करें, प्रथम पुरुष का कर्ता कहलाता है कोई भी नाम। तो नाम दीपिका, दीपिका और दीपिका तीन वचन में इस तरह से प्रयोग करेंगे। अब उनके लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम, सह मतलब वह, तव मतलब ये दोनों, ते मतलब वे सब, एषा मतलब यह, एतव मतलब यह दोनों, एते मतलब यह सब, कह मतलब कौन, कौ मतलब कौन दोनों, के मतलब कौन सा। अब ये सब प्रथम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। और जब हम धातु रूप के लट लकार देखते हैं तो लट लकार प्रथम पुरुष की तालिका में सबसे पहला होता है चलती, चलता, चलंती, जिसको हम प्रथम पुरुष कहते हैं। तो यही नियम है, जिस पुरुष का कर्ता उसी पुरुष की क्रिया। तो ये सारे प्रथम पुरुष के कर्ता हैं, इनके साथ हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करते हैं। वचन का कैसे, अगर एक वचन कर्ता है तो क्रिया भी एक वचन, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन, अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। अब वाक्य कैसे बनेंगे, दीपिका चलती, दीपक चलता है, सह चलती वह चलता है, ये सह चलती यह चलता है, कहा चलती कौन चलता है।
तो ये नियम क्या है, कर्ता और क्रिया का, कि जैसा कर्ता होता है वैसी ही क्रिया होती है। प्रथम पुरुष का कर्ता, प्रथम पुरुष की क्रिया, वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया इत्यादि। इसी प्रकार हम द्विवचन के वाक्यों का प्रयोग करेंगे। दीपकौ चलता, तौ चलता, एतौ चलता, कौ चलता। दीपिका चलंती, ते चलंती, ते चलन, एते चलंती और के चलंती इत्यादि। अब इसी प्रकार जैसे प्रथम पुरुष है, इसी प्रकार हम मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग करेंगे, उसके साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम प्रथम पुरुष के वाक्य देखते हैं। बालिका पढ़ती, बालक पढ़ता है। एक प्रथम पुरुष कर्ता, प्रथम पुरुष क्रिया, एक वचन कर्ता, एक वचन क्रिया। बालिका पढ़ता, द्विवचन का उदाहरण। बालिका पठंती, बहुवचन का उदाहरण, बहुत सारे बालक पढ़ते। अब स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग शब्दों का प्रथम पुरुष है, ऐसे स्त्रीलिंग कोई नाम हो सकता है, उसके लिए सर्वनाम हो सकते हैं। तो वो है सीमा, सीमे, सीमाहा, सातेताहा, एषयते, एताहा, काके, काहा। और इनका रूप कैसे बनेगा, चलती, चलताहा, चलंती इत्यादि। इनके साथ हम प्रयोग करेंगे, इसलिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इसका प्रयोग इसके साथ। तो ये नियम कहलाएगा कर्ता क्रिया का। देखते हैं वाक्य। बालिका हसती, बालिके हसतः, बालिकाः हसन्ति इत्यादि। अब इसी प्रकार नपुंसकलिंग शब्द और उनके सब नाम होंगे। फलम, फले, फलानी, तत्ते, तानी, एतते, तानी, किम, के, कानि, उनके साथ प्रयोग करेंगे। फलम पतति, फले पततः, फलानी पतन्ति इत्यादि। वाक्य देखते हैं। पुष्पम विकसति, पुष्पे विकसतः, पुष्पाणि विकसन्ति। एक वचन का कर्ता, एक वचन की क्रिया, एक द्विवचन का कर्ता, द्विवचन की क्रिया, बहुवचन का कर्ता, बहुवचन की क्रिया का यहाँ पर हमने प्रयोग किया। अब आते हैं मध्यम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष के जैसे कर्ता है तो हम, अभी हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष में, तो हम जिसकी बात करते हैं वो मध्यम पुरुष में जो प्रयोग होता है श्रोता के लिए, वो क्या प्रयोग होता है, तुम शब्द। अब तुम एक, तुम दो, तुम शब्द सबको क्या कहते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। अब ये सभी के लिए प्रयोग होने वाला है, इसलिए इसको उभय लिंगी, ये दोनों के लिए प्रयोग होने वाले शब्द का। अब प्रथम पुरुष विन्न क्या होता, क्योंकि प्रथम पुरुष में वो सभी नाम आ जाते हैं। नाम तीन तरह के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, इसलिए उनके लिए सर्वनाम भी अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन जब हम मध्यम की बात करें, श्रोता के लिए जब भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, तब उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम दोनों, तुम सब इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो हम किसी लड़की के लिए भी कर सकते हैं, लड़के के लिए भी कर सकते हैं, इसलिए इसको दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। अब इसके वाक्य बनेंगे। यहाँ क्रिया देखें हम लट लगा के, तो मध्यम पुरुष क्रिया क्या होते, चलसी, चलता, चला। वाक्य बनेगा तुम चलसी, युवाम चलथा, यूयम चलत। तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते। इसी प्रकार अहम, मैं शब्द है, ये पुल्लिंग भी अपने लिए प्रयोग करता है, स्त्रीलिंग, इसलिए यह भी उभयलिंगी है, कॉमन है। और इसकी उत्तम पुरुष क्रिया चलामी, चलावा, चलामा। वाक्य बनेगा अहम चलामी, आवाम चलावा, वयम चलामा। अहम हसामी, मैं हंसती हूँ, आवाम हसावा, हम दोनों हंसते हैं, वयम हसामा, हम सब हंसते हैं। परियोजना कार्य, निम्नलिखित शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखिए। मैं, तुम सब, हम दोनों, वह लड़का, यह आप इत्यादि। धन्यवाद, नमो नमः।